नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खी। इलाज के लिए रांची रिम्स से दिल्ली जाएंगे लालू यादव, किडनी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़े, वैशाली में महंगाई को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, गैस सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन। बिहार में वायु प्रदूषण जानलेवा, दिल्ली के बाद बिहार के शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण। आम आदमी को बड़ा झटका, पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू एलपीजी के दाम में भारी बढ़ोतरी, नई कीमत आज से लागू। पटना में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा, होम्योपैथिक दवाओं से बनाई जा रही थी विदेशी शराब। बिहार में बीपीएससी ने इन पदों पर निकाली बम्पर बहाली, जाने कैसे और कहां करें आवेदन। पटना के महावीर हार्ट हॉस्पिटल में अब गरीब भी करा सकेंगे हार्ट सर्जरी, मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। इस वक्त की बड़ी खबर रांची के रिम्स से है, जहां चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है, उनकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है। इसी बीच लालू यादव को दिल्ली ले जाने की बात सामने आई है। इस बात की जानकारी खुद लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद साथी भोला यादव ने दी है। बता दें कि लालू यादव को दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है, मेडिकल बोर्ड और प्रशासन की अनुमति के बाद ही लालू प्रसाद यादव को दिल्ली ले जाया जाएगा। गौरतलब हो कि अप्रैल के महीने में पिछले साल जब लालू यादव को जमानत मिली थी, उस दौरान लालू यादव एम्स में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे और अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के पास रह रहे थे। ऐसे में अब जब उन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी मामले में 5 साल की सजा सुनाई, उसके बाद लालू की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें ड्रीम एस्केप वार्ड में रखा गया था, और अब जब एक बार फिर उनकी सेहत बिगड़ी है तो उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है। लगातार पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर सरसों तेल और रिफाइन के बढ़ते दाम के खिलाफ आज वैशाली जिला नागरिक विकास परिषद के सदस्यों ने परिषद के अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। वैशाली जिले के किरतपुर राजाराम गांव में पदयात्रा के माध्यम से प्रदर्शन कर महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज का दाम बढ़ जाता है, किसान तबाह है, मजदूर वर्ग के लोग को तगड़ा झटका लगा है, लोग भगवान भरोसे जिंदा है। महंगाई इतनी हो गई है कि देश के 80% लोग एक शाम खाते और एक शाम भूखा रहते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, जरा किसान एवं मजदूरों को देखिए, दाम बढ़ने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में वायु प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले टॉप 10 शहरों में 6 शहर बिहार के हैं, जबकि 4 शहर एनसीआर के शहरों के हैं। सिवान और मुंगेर पहले और दूसरे नंबर पर हैं, जबकि गाजियाबाद तीसरे नंबर और दिल्ली पांचवें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के बाद बिहार में सबसे ज्यादा तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट का दावा है कि इस बार जाड़े के समय बिहार के सिवान जिला प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर रहा है। यहां पर प्रदूषण का स्तर गाजियाबाद से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषण के लिए दिल्ली एनसीआर का नाम लिया जाता है, लेकिन अब बिहार के शहर इस मामले में दिल्ली एनसीआर को पछाड़ते दिख रहे हैं। सीएसई ने देश भर के शहरों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी प्रदूषण डाटा का विश्लेषण करके प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। 15 अक्टूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच इन शहरों में मौजूद प्रदूषण के डाटा से पता चलता है कि बिहार की स्थिति प्रदूषण के मामले में बेहद खराब है। यहां की हवा में प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर के शहरों से भी ज्यादा है। आम आदमी को आज बड़ा झटका लगा है, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, नई कीमत आज से लागू होगी। अभी तक उत्तर प्रदेश पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कई महीनों से राहत मिल रही थी। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले थे। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 949.50 पैसे हो गई है, पहले यह 899.50 पैसे थी। अगर कोलकाता की बात करें तो यहां 6 अक्टूबर 2021 को 14.2 किलो वाला गैस सिलेंडर की कीमत 926 रुपये थी, जो अब 976 रुपये हो गई है। इसी तरह लखनऊ में कीमत 938 रुपये से बढ़कर 987.50 पैसे हो गई है। पटना में यह 998 रुपये से बढ़कर 1039.50 पैसे हो गई है।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही कितने बड़े दावे कर ले शराबबंदी के, लेकिन हकीकत इससे इतर है। होली में कई जिलों जहरीले शराब से मौत और अब पटना में अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा, शराबबंदी के सारे पोल खोल रहा है। होली को लेकर की जा रही चेकिंग अभियान में पुलिस ने पटना में शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया था। मामला पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के विजय नगर मोड़ का है। पुलिस ने दो फैक्ट्री समेत शराब की खाली बोतल देने वाले गोदाम में छापेमारी कर तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ईस्ट प्रमोद कुमार ने बताया कि होम्योपैथिक दवाओं से अवैध फैक्ट्री में विदेशी शराब बनाई जा रही थी और उसकी पैकिंग कर उसे मार्केट में बेचा जा रहा था। बिहार में बीपीएससी ने बम्पर बहाली निकाली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बढ़िया अवसर है। बिहार में हेडमास्टर के खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीपीएससी ने 6421 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगा है। हेडमास्टर बहाली के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 है। अगर योग्य होने के बावजूद किसी कारण से आप आवेदन नहीं कर पाए तो जल्द कर ले, क्योंकि आखिरी तिथि समाप्त होने वाली है। बीपीएससी द्वारा निकाली गई हेडमास्टर पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू है। इन पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। bpsc.bih.nic.in पर इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से हेडमास्टर के कुल 6421 पदों को भरा जाएगा। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने बिहार दिवस के मौके पर महावीर हार्ट हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी के मरीजों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की घोषणा की है। बिहार दिवस पर महावीर वात्सल्य अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सूचीबद्ध हो जाने के बाद गरीब लोग इस अस्पताल में हार्ट सर्जरी करवा पाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ था। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पटना जिले में कुल 3,22,086 लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रदान कर सरकारी एवं निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में 59,695 लोगों का चिकित्सा किया गया। अब तक 35 सरकारी एवं 71 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के लोगों को भारत की विरासत और संस्कृति के बारे में जागरूक करने के मकसद से रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण करने की तैयारी हो रही है। सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर की तरफ से बनाए जाने वाले इस विश्वविद्यालय में संस्कृत और व्याकरण के अलावा दूसरे विषयों की पढ़ाई होगी। इसके लिए वैशाली जिले के इस्माइलपुर में लगभग 12 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में मुख्य भवन के साथ ही सभी शैक्षणिक भवन और सभी आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। सबसे खास जो है वो ये है कि इसके लिए सभी तरह के खर्च का प्रबंध महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से किया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस यूनिवर्सिटी में 2024 से पढ़ाई शुरू कर दिए जाने की संभावना है। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहरीले शराब पीने से बिहार के विभिन्न जिलों में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार और पुलिस की सख्ती के बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। गोपालगंज में 7 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मंगलवार को 2 और लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। घटना थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर बाजार की है। मृतक के परिजनों की माने तो दोनों देर रात शराब पीकर घर आए थे। सुबह उठे तो आंखों की रोशनी चली गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। मृतकों के पहचान कविलासपुर निवासी 40 वर्षीय सैफुद्दीन कुरैसी और 50 वर्षीय उपेंद्र यादव के रूप में की गई है। पुलिस के डर से परिजनों ने मंगलवार की देर रात दोनों शवों का दाह संस्कार कर दिया। इधर पुलिस ने शराब से मौत का बात से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। बिहार के विधायकों व विधान पार्षदों को एक साथ कश्मीर से पंडितों का पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स दिखाने की तैयारी है। इसके लिए 25 मार्च को P&M मॉल के मल्टीप्लेक्स में शाम के एक शो को आरक्षित कराया गया है। विधानसभा में गुरुवार को दूसरी पाली की कार्यवाही के बाद होली के अवकाश पर सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में 17 मार्च द कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। इसे देखने के लिए शुक्रवार को सभी सदस्य P&M मॉल के मल्टीप्लेक्स में आमंत्रित है। सरकार की ओर से सभी सदस्यों को न्योता देते हुए डिप्टी CM ने कहा कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए। पटना के P&M मॉल में इस फिल्म के 700 प्रतिदिन चलाए जा रहे हैं। इन शो में प्रतिदिन 1400 लोग फिल्म देख रहे हैं। वहीं मोना सिनेमा हॉल में प्रतिदिन
500 से 1300 लोग सिनेमा देख रहे हैं। सिनेमा हॉल बंधकों के अनुसार दोनों जगहों पर फिल्म एडवांस बुकिंग चल रही है। अगले 2 से 3 दिन तक सीटें फुल हैं। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।